तो भाई जैसे ही चल रहा है व्लॉगिंग का फुल ट्रेंड, जिसे देखो व्लॉगिंग कर रहा है, अपना आईफोन उठा रहा है आदमी और हाय गाइस, आई मीन व्लॉगिंग हर कोई कर रहा है आज की डेट में। किसी का टेक चैनल है वो भी व्लॉगिंग कर रहा है, किसी का एंटरटेनमेंट चैनल है वो भी व्लॉगिंग कर रहा है, और जो व्लॉगिंग कर रहा है वो तो व्लॉगिंग कर ही रहा है। एंड जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, क्या हमारे को डेडिकेटेड व्लॉगिंग कैमरा चाहिए या फिर हमारे फोन से भी हमारा काम चल सकता है, वो हम इस वीडियो में फिगर आउट करेंगे। और हमारे को सोनी ने रिसेंटली भेजा अपना नया कैमरा, सोनी ZV-1F, और ये 50,000 रुपए का कैमरा है। तो 50,000 रुपए का कैमरा लोग क्यों नहीं ले रहे, 1.5 लाख के फोन ले रहे व्लॉगिंग करने के लिए, आई मीन आईफोन और नए नए S23, आई मीन अब तो S24 आ गया है। तो ये चीज फिगर आउट करेंगे कि 50,000 में क्या हमारा काम चल पाएगा या फिर फोन ही बेटर ऑप्शन है आज की डेट में व्लॉगिंग के लिए। तो डब्बे खोल लेते हैं, एक तो कैमरा है हमारे पास, एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन है हमारे पास, और एक इसकी स्टिक भी है। कैमरे का प्राइस 50,000 रुपए, ये अलग से है, तो देखेंगे क्या कुछ मसाला है। तो भाई सबसे पहले कैमरे का डब्बा हमारे को कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे कैमरा बन रखा है, बढ़िया फ्लिप स्क्रीन हमारे को मिलेगी, और डब्बा हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, बस आपको दिखा दूं क्या क्या मिलेगा। एक तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा हुआ मिल जाता है, मेमोरी कार्ड हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पे हमारे को एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, थोड़ी कागज पुस्तकें मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारा कैमरा निकलता है, और यहाँ पे हमारे को एक मिल जाएगा ये डेड कैट या विंड मफ, बहुत कुछ कहते हैं लोग इसको। ये हम कैमरे के ना ऊपर लगा सकते हैं, जैसे आप आउटडोर वगैरह में शूट करो, तेज हवा चल रही हो, तो ये कवर कर लेता है उस चीज को। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे को कुछ शायद केबल वेबल मिलती है, वो मैंने निकाल ली है इसके अंदर से। और दूसरा हमारे पास शॉर्टकट माइक है ECM G1 करके, और इसके डब्बे में हमारे को एक थैली मिल जाएगी, थैली के अंदर हमारे को एक माइक्रोफोन मिल जाएगा, एक केबल इसके अंदर निकलती है जो मैंने कनेक्ट कर रखी है, और एक विंड मफ इसके साथ भी मिल जाता है। उसके अलावा सोनी पुस्तक भंडार की तरफ से दुनिया भर के कागजात बायजाब, ये कुछ ज्यादा ही नहीं होंगे, कौन पढ़ता ही नहीं। और ये तीसरी है हमारी ग्रिप, जिसका मॉडल है GP VP T, जो भी है मतलब पढ़ लो वीडियो पॉज करके। एंड इसके अंदर भी ये हमारे को एक बबल शबल रैप मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारी डिवाइस है। ओए भाई इसकी क्वालिटी बढ़िया यार, ये तो मैंने अभी खोल के देखा, काफी सॉलिड और काफी हैवी सी क्वालिटी है। तो एज अ ट्राइपॉड भी आप इसको यूज कर सकते हो, और नॉर्मल स्टिक की तरह भी यूज हो जाएगा कैमरा यहाँ लगा के। और बाकी सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे, जैसे रिकॉर्डिंग का, जूम इन जूम आउट का, लॉक वगैरह का फीचर, तो देखते हैं अभी क्या सीन है इसका। और एक कैरिंग पाउच इसके साथ भी मिल जाएगा। और भैया पुस्तकों की कमी तो इसके अंदर भी नहीं है, बढ़िया गड्डी वड्डी बना के दे रखी है। होता हुआ कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह का सीन, कुछ मतलब ऐसे थोड़ी डाल रहे होंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, जिसे पढ़ना वो पढ़ेगा, हम करेंगे रिव्यू, वो भी प्रैक्टिकल एकदम। तो भाई कुछ ऐसा कैमरा यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, और कैमरा आप देख सकते हो कितना छोटा कैमरा है, अगर साइज का अंदाजा नहीं लग रहा, ये S23 Ultra है और ये कैमरा है, तो लेंथ वाइज आप देख सकते हो इतना छोटा है इससे, लेकिन मोटा ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड पूरा चिपसेट कैमरे के हिसाब से है, लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, अंदर सेंसर होता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, वो भी फ्लिप स्क्रीन है, और ये फुल टच वाली स्क्रीन है, जहां पे टच करेंगे सब चलेगा। और यहाँ पे हमारी बैटरी लग जाती है, इधर हमारा मेमोरी कार्ड इंसर्टेड है, और ये डेडिकेटेडली व्लॉगिंग कैमरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लेंस नहीं चेंज कर सकते, लगा लगाया लेंस हमारे को मिलता है। और इसके अंदर ना कोई फोकस रिंग भी नहीं है, जैसे मैनुअल फोकस के लिए होती है ना, लेकिन इसके अंदर हमारे को ना मैनुअल फोकस मोड मिलता है, एंड इसको जब आप एक्टिवेट कर दोगे ना, तो यहां से बटन से आप इसका फोकस चेंज कर पाओगे फोकस रिंग के बजाय, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन कहीं पर अगर नीड हो मैनुअल फोकस की तो आप इससे वो कर पाओगे। और बाकी यहां पे हमारे को बटन्स वगैरह मिल जाएंगे, ऑन ऑफ बटन हो गया, रिकॉर्डिंग बटन हो गया, यहां पे जूम इन जूम आउट के लिए बटन मिल जाता है, एक कस्टम बटन मिल जाएगा जिसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हो, और बाकी फोकस और डिफोकस मोड मिलता है, इसका क्या काम है आगे दिखाता हूं। और बाकी सारे बटन यहां पे मिल जाएंगे जैसे नॉर्मली कैमरास में मिलते ही हैं। और नीचे हमारे को माउंट मिल जाएगा ट्राइपॉड वगैरह पे लगाने के लिए, एंड इधर हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, भाई डेडिकेटेड माइक्रोफोन का पोर्ट यहां मिलता है, जो अच्छी चीज है, आप एक माइक्रोफोन लगा सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे डेडिकेटेड टाइप सी पोर्ट हमारे को मिलता है, जिससे आप डायरेक्टली इसको पीसी से कनेक्ट कर सकते हो, पावर बैंक के थ्रू चार्ज कर सकते हो, फोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो भाई टाइप सी पोर्ट के फायदे आपको बताइए, और वो सारे फायदे इस कैमरा से आप उठा सकते हो। और यहाँ पे तीसरा पोर्ट हमारे को माइक्रो HDMI का मिल जाएगा, HDMI पोर्ट के थ्रू आप इसको बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हो, कैप्चर कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, और HDMI की और भी एक्सेसरीज होती है, वो इसके अंदर चल जाएंगी, लेकिन माइक्रो HDMI केबल लगेगी, ऑब्वियसली साइज छोटा है तो माइक्रो मामला ही लगेगा भाई साहब। और एक चीज मेरे को बढ़िया लगी, जैसे हम कैमरे की स्क्रीन को फ्लिप करके खोलते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, हमने इसको ऑफ कर दिया, कैमरा ऑफ हो गया ना, और यहाँ पे स्क्रीन हमने बंद करी, और जैसी स्क्रीन हमने खोली तो यहाँ पे कैमरा तुरंत ऑन हो जाता है। तो जैसे जेब से स्मार्टफोन निकालते हैं व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, ऐसी इसको निकालते स्क्रीन खोलते व्लॉगिंग शुरू कर देंगे, एकदम स्मार्टफोन इंस्पिरेशन चल रही है भाई साहब। और जैसे कि ये कैमरा काफी कॉम्पैक्ट है, तो आप इसको इजीली जेब में भी कैरी कर सकते हो, अगर टाइट जींस पहन रखे तो घुसाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लूज जींस है, कोई लोअर है, या फिर कोई कार्गो वगैरह आपने रखी है, उसके अंदर ये इजीली फिट हो जाता है, जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, मतलब जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन भी नहीं कह सकते, स्मार्टफोन बहुत ही पतला होता है, ये थोड़ा सा मोटा है उससे, बट यस ये एक डेडिकेटेड कैमरा भी तो है ना। और यहाँ पे इस कैमरे का वेट हमारे को 250 ग्राम के आसपास मिल जाता है, जो कि बिल्कुल फोन के वेट जितना ही है, जैसे S23 Ultra का अगर आप यहाँ पे वेट देखोगे तो 266 ग्राम के आसपास है, कवर इंक्लूडेड है, क्योंकि 99.99% लोग कवर लगा के फ्लैगशिप फोन चलाते हैं, तो 250 ग्राम के आसपास ही हमारा स्मार्टफोन हो गया। और अगर iPhone 15 Pro का यहाँ पे वेट देखते हैं कवर इंक्लूडेड, तो 230 ग्राम के आसपास हमारे को मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा कैमरा भी काफी हल्का फुल्का सही है। और थोड़ी सी टेक्निकल बात अगर इस कैमरे के बारे में करी जाए, तो
के अंदर हमारे को 1 इंच का सेंसर मिलता है, जो ऑब्वियसली स्मार्टफोन के सेंसर से काफी बड़ा होता है। जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा, उतना अच्छा ब्लर आपको मिलेगा बैकग्राउंड में। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो फुल फ्रेम वाले कैमरा पे रिकॉर्ड हो रही है और इसके ऊपर लेंस भी काफी तगड़ा लगा है, तो आप लाइटिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है। पीछे बैकग्राउंड में ब्लर आप देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है। और अगर मैं इस कैमरा से रिकॉर्ड करके दिखाऊं सेम सिनेरियो, तो आपको पता लगेगा कि एक फुल फ्रेम यानी कि 4 लाख रुपए के सेटअप में और एक 50,000 रुपए के सेटअप में कितना डिफरेंस आता है। अरे फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं यार, तुम्हें डिफरेंस समझा रहा हूं, तुम गलत मत ले। और ये जो आप सैंपल देख रहे हो ये सोनी ZV-1F से रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो सैंपल देख रहे हो ये फुल फ्रेम सोनी A7S3 से रिकॉर्ड हो रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस आता है लेंस और सेंसर साइज से, और ये वही लाइटिंग कंडीशन है जिसमें मैं यूजुअली वीडियोस बनाता हूं। और इस कैमरा से कैसी क्वालिटी आपको मिल रही है मेरे को कमेंट करके बताओ। अभी बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट भी हम करेंगे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में, ये जस्ट एक छोटा सा सैंपल है, बाकी पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे वीडियोस तो ये 4K में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन अगर फोटोज की बात करते हैं तो 20 मेगापिक्सल पे फोटोज क्लिक करता है, और फोटोज के सैंपल्स भी हमने कुछ लिए जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और जो लेंस हमारे को इसके अंदर मिलता है वो 20mm का लेंस है, तो काफी वाइड लेंस हमारे को मिलता है, जैसे हाथ में पकड़ के अगर हम व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो कुछ इतना एरिया ये कैप्चर करता है। अब जरा कैमरा यूआई पे नजर मार लेते हैं। यहां पे जब आप मेन्यू का बटन दबाओगे ना तो कुछ वैसा ही लेटेस्ट मेन्यू मिलता है जो हमारे को सारे सोनी के कैमरास मिलता है। एंड अगर यहां पे फाइल फॉर्मेट आपको दिखाऊं तो 4K में भी शूट करता है और फुल एचडी में भी शूट करता है। 4K में हमारे को मैक्सिमम 30 और 24 FPS मिलते हैं, और अगर हम फुल एचडी रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे को मैक्सिमम 120 FPS इसके अंदर मिलता है। तो अच्छा खासा स्लोमो हम इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब स्लोमो की बात चल रही है तो S&Q यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा, जिसके अंदर हम फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं 120, 60 एंड 15 से लेके मैक्सिमम 1 FPS तक, यानी कि हमको 30x क्विक मोशन मिल जाएगा। और अगर 120 FPS पे S&Q पे रिकॉर्ड करेंगे तो 4x स्लो मोशन यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। और यहाँ पे S&Q हम शिफ्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंट मोड पे, वीडियो मोड पे और S&Q मोड पे। और बाकी जैसे कि फिक्स फोकल लेंथ वाला लेंस है हमारा, तो उसके अंदर हमारे को डिजिटल जूम मिल जाता है, यानी कि क्रॉप मिलेगा अप टू 1.5x। यहाँ पे वाइड एंगल कुछ इतना है, और अगर यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करता हूँ तो 1.5 तक कुछ इतना ही हो जाता है, और इस वाले बटन से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को FN बटन मिलता है जिसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक फीचर है PP यानी कि पिक्चर प्रोफाइल। यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर प्रोफाइल्स यहाँ पे हमारे को मिल जाती है, जिसमें अगर आप पिक्चर प्रोफाइल को खोल के देखोगे तो यहाँ पे S-Log3 है, उसके अलावा HLG2 यहाँ पे हमारे को मिल जाती है, एंड यहाँ पे S-Log2 भी है। ऐसी अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल्स मिल जाती है, ये उन लोगों के लिए काम आते हैं जिनको कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी होती है या डिफरेंट टोन चाहिए अपनी वीडियो के अंदर, तो एक तरीके से प्रीसेट की तरह भी ये काम करती है। और जैसे कि इसके अंदर हमारे को फ्लिप स्क्रीन मिल जाती है, तो फ्लिप स्क्रीन हम अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं व्लॉगिंग जैसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे अपना चेहरा देख के। और एक चीज मुझे इसके अंदर बढ़िया लगी, जैसे हम रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करते हैं ना तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे को रेड कलर की लाइन मिल जाएगी, जिससे पता लगता रहेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग चालू है। और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट भी है, तो अगर आपका कैमरा आपकी तरफ होगा तो आप देख पाओगे दो जगह कि आपकी रिकॉर्डिंग चालू है। और इस कैमरा के साथ हमारे को ऐप का भी सपोर्ट मिलता है, जो आप एंड्रॉइड और iOS दोनों पे डाल सकते हो। क्रिएटर्स ऐप इसका नाम है। यहाँ पे अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कैमरा के अंदर हमारे को स्मार्टफोन कनेक्टर के ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर हम थोड़े बहुत स्टेप्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम इसकी ऐप के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। तो भाई जैसे कि हमारा यहाँ पे कैमरा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं इमेजेस और वीडियोस वगैरह जो हमने कैमरा पर रिकॉर्ड कर रखे डायरेक्टली फोन में यहाँ से कॉपी करनी हो तो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा फर्मवेयर का कोई अपडेट आ रखा होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। रिमोट शूटिंग का यहाँ पे ऑप्शन हमारे को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा में जो शो कर रहा है वही हमारे फोन की स्क्रीन में भी शो कर रहा है, पूरा स्टूडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रिमोटली हम कैमरा को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे ISO कंट्रोल करना हो, एपर्चर कंट्रोल करना हो, जूम इन जूम आउट यहाँ पे हमारे को करना हो, वो सारे फीचर्स हमारे को ऑन द गो फोन पे मिल जाएंगे, या किसी टैबलेट से आप कनेक्ट करके रख सकते हो अगर आपको रिमोटली शूट करना है तो। और यहाँ पे हमारे को स्मार्टफोन ऐप के साथ साथ एक PC ऐप भी मिलती है इस कैमरा के साथ, कैटलिस्ट ब्राउज करके उसका नाम है, जिसके अंदर आप अपनी वीडियो स्टेबलाइज कर सकते हो सॉफ्टवेयर लेवल पे। अगर आपने कुछ उबड़ खाबड़ में शूट कर दिया, ज्यादा स्टेबल वीडियोस आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। और भाई जैसे कि ये व्लॉगिंग कैमरा है तो बैटरी बैकअप बहुत मैटर करेगा, एंड बैटरी बैकअप के मामले में कहूंगा ये ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी ज्यादा बड़ी नहीं है ना, काफी थिन डिवाइस है, तो बैटरी भी काफी थिन डाली है इसके अंदर। 1-400 mAh की बैटरी इसके अंदर है। अगर हम 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं तो 40-45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग दे देता है। अब ये नंबर कम मत समझना, 40-45 मिनट्स कंटिन्यूस। तो अगर आप व्लॉगिंग करोगे तो लगातार 45 मिनट्स की व्लॉगिंग कोई करता नहीं है, रुक के आप शॉट लेते हैं पूरे दिन में, तो वहां पे कहीं हद तक ये काम कर देगा। लेकिन अगर बैटरी कम लगे तो आप पावर बैंक कैरी करके चल सकते हो, टाइप सी चार्जिंग का फायदा वहां पे आपका होगा। एंड यस, अगर आप 1080p पे शूट करोगे तो अच्छा बैकअप ये देता है 1.5 आवर्स के आसपास। तो भाई ये तो होगी कैमरा की पूरी बातचीत, अब जरा क्वालिटी टेस्ट कर ले कि कैसी क्वालिटी ये निकाल के देता है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सेटिंग्स पे। आओ दिखाते हैं। हाय गाइस, मैं वेनमस्टैक बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ना पार्क में आ गया हूँ, और कुछ ऐसा वीडियो का सैंपल है इसका। डे लाइट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बढ़िया सराउंडिंग में लाइट है, और कुछ ऐसी ही माइक की क्वालिटी है। माइक जो है हमारा वो कैमरे का ही यूज हो रहा है, और वाइड एंगल आप देख सकते हो, पूरा मेरा हाथ खुला है, और मेरे हाथ कुछ ऐसा ज्यादा लंबे भी नहीं है, उसके हिसाब से कुछ इतना फील्ड ऑफ व्यू हमारे को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हमारे को,
हमारा ही कैमरा उठा भैया एडिटर हूं। तो बताना कमेंट सेक्शन में नॉर्मल लाइटिंग में कैसी लगी आपको क्वालिटी। और हाँ एक चीज मैं बतानी भूल गया था, अभी जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना वो स्टेबिलाइजेशन ऑफ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं नॉर्मल वॉक करके दिखा देता हूँ। कुछ इतना ये शेक हो रहा होगा अगर स्टेबिलाइजेशन ऑफ पे रिकॉर्ड करते हैं। और अब यहाँ पे हमने स्टेबिलाइजेशन को ऑन कर दिया, स्टेडी शॉट करके ऑप्शन मिलता है इसकी सेटिंग्स में, एंड कुछ इतनी स्टेबिलाइजेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। मैं नॉर्मल पहले की तरह ही वॉक कर रहा हूँ। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, थोड़ा सा क्रॉप लग गया है, पहले ज्यादा वाइड था, स्टेबिलाइजेशन ऑन करने पर थोड़ा सा क्रॉप लग गया, और उसी की वजह से ही इसकी स्टेबिलाइजेशन होती है। एंड अगर आपको फर्दर स्टेबिलाइजेशन करनी है तो कैटलिस्ट वाला सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा था ना उसमें आप कर सकते हो पीसी पे डाल के। और ये हम स्टेबल शॉट में रिकॉर्ड करें, जैसे ट्राइपॉड पे अगर आपको कैमरा लगाना है, अपने यूट्यूब के लिए ए रोल शॉट वगैरह में वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इंस्टा रील वगैरह आपको बनानी है, तो ऐसे कुछ दूर रख के भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। स्किन टोन्स कैसी आ रही है वो आप बताओ मेरे को कमेंट करके, बैकग्राउंड में ब्लर कैसा आ रहा है वो भी आप बता सकते हो। मिनिमम एपर्चर f2.0 पे ही हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और माइक की क्वालिटी देख लो कि इतनी दूर अगर मेरे से कैमरा है तो माइक अभी भी कैमरा का ही यूज हो रहा है, तो हम सारे केसेस में ना कैमरा का माइक यूज कर रहे हैं। और हाँ अभी हम जितना रिकॉर्ड कर रहे हैं वो विदाउट विंड मफ यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा ही नहीं चल रही है, तो इसका टेस्ट मैं आपको नहीं करवा सकता अभी। हाँ वैसे करवा भी सकते हैं अगर स्कूटी पे, भाई साहब स्कूटी चलाओगे चलो चलो चलो, तो विंड मफ भी टेस्ट करा देते हैं कि कैसी आवाज विदाउट विंड मफ आएगी और कैसी विद विंड मफ आएगी। और अब हमने कैमरे के साथ आया हुआ विंड मफ हमने कैमरे के ऊपर लगा लिया है, और कितनी विंड की आवाज़ें ये कैंसिल आउट कर रहा है वो तो आप मेरे को बताओगे, मैं तो एडिटिंग के टाइम पे सुनूंगा। हेलो शेख 1 2 3, एक मिनट थोड़ी सी और तेज चला, ये ना आगे ये भी है और ये एक हाथ से गाड़ी चल रही है। चलो तो भाई अब हमारी स्कूटी थोड़ी तेज चल रही है और इतनी विंड की आवाज़ें ये कैंसिल आउट कर देगा। अभी गाड़ी अभी गाड़ी में भिड़ जाती जाके भैया। और अभी हमने एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा लिया, जो एक शॉटगन माइक्रोफोन है उसके ऊपर हमने उसका विंड मफ लगा दिया है, और यहाँ पे 30-30 की स्पीड पे स्कूटी चल रही है। कैसी आवाज अब आ रही है, मतलब प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप हम बना चुके हैं, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। साइनिंग ऑफ वेनमस्टैक व्लॉगर, बाय गाइस। और इस कैमरा के अंदर हमारे को ना सॉफ्ट स्किन इफेक्ट भी मिलता है, जैसे ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, सॉफ्ट स्किन हम इसके अंदर लगा सकते हैं, हाई मिड लो अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे, जितना ज्यादा इफेक्ट होगा उतने स्किन पर ज्यादा सुंदरता आएगी। अभी ये वाला जो आप सैंपल देख रहे हो ये सॉफ्ट स्किन ऑफ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब मैंने सॉफ्ट स्किन को लो पे सेट कर दिया है, कितने मेरे स्किन पे सॉफ्टनेस आई है वो आप बताओ मेरे को। अब हमारी सॉफ्ट स्किन मिड में हो चुकी है, मिड में कुछ इतनी सुंदरता, अरे भाई ये तो मैं कुछ ज्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम सब गायब कर दिया इसने, अब हाई पे करके देखते हैं। और ये अब हमने मैक्सिमम सुंदरता पे कर दिया है, चेहरे में कितना फर्क नजर आ रहा है आप बताओ मेरे को, कुछ यहाँ पे सॉफ्टनेस आ रही है बिना मेकअप के, बढ़िया लग रहा हूँ। और इस कैमरा के अंदर हमारे को आई ऑटो फोकस भी मिलता है, जैसे आप देख सकते हो इसमें मेरे आई के ऊपर ब्लॉक बन के आ रहा है, तो जैसे ये ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा तो एकदम से फोकस कर लेता है, जैसे मैंने नीचे करा और एकदम से ऊपर करा, और देख सकते हो अब कितना तेज आई ऑटो फोकस ले रहा है ये। हाँ तो भाई कहाँ थे हम। और इस कैमरा के अंदर हमारे को प्रोडक्ट शोकेस मोड भी मिलता है, यहाँ पे डिलीट वाला बटन दबाएंगे ना आप देख सकते हो हमें प्रोडक्ट शोकेस सेट ऑन हो गया, और जैसे डिलीट को दोबारा दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है, और इस वाले मोड में जो हमारा फोकस है ना वो सेंटर में जाता है। और अभी जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट शोकेस वाले मोड ऑन को करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैं इसके सेंटर में लाता हूँ ये सीधा उस पर फोकस कर लेगा, और जैसे ही हटाएंगे एकदम व्लॉगिंग चालू हो जाएगी। तो ये वाला कैमरा आप एज अ यूट्यूब के लिए अनबॉक्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, टॉप एंगल कैमरा लगाना हो या चलते चलते कोई प्रोडक्ट एकदम शोकेस करना हो, काफी फास्ट ये फोकस कर लेता है, आप देख सकते हो टेक्स्ट वगैरह भी काफी शार्प दिखा रहा है यहाँ पे, एकदम सोनी वोनी बढ़िया दिख रहा है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट शोकेस मोड भी काम करता है इसका। और इस कैमरा के अंदर हमारे को फोकस और डीफोकस मोड भी मिलता है, जैसे अभी ये डीफोकस मोड पे है यानी कि मैं फोकस में हूं और पीछे हमारे को सब ब्लर मिलेगा, जैसे मेरे पीछे खड़ा है ब्लर आ रहा है, और जैसे इसका मोड मैं चेंज करूंगा अब ये हम क्लियर मोड पे कर चुके हैं, अब मेरे से अगर कोई दूर भी खड़ा होगा, हम जैसे वाइड में कोई शॉट ले रहे हैं, ग्रुप में कोई व्लॉग बना रहे हैं और सबके चेहरे फोकस में चाहिए, तो हम क्लियर मोड लगा सकते हैं। और अब ये हमारा डीफोकस मोड हो गया जिससे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और मेन बंदा ही फोकस में रहता है। और ये शूटिंग ग्रिप में आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखा रहा था, ये आप कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो, थ्रू ब्लूटूथ या कनेक्ट हो जाती है, और यहीं से ही आप सब कंट्रोल कर पाओगे, जैसे जूम इन जूम आउट करना ऑन द गो यहीं से कर सकते हैं, फोटो क्लिक करनी हो यहीं से फोटो क्लिक हो जाएगी, मूवी वाला बटन मिल जाता है, डायरेक्टली रिकॉर्डिंग शुरू करनी हो तो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, C1 का कस्टमाइजेशन बटन यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, जो इस वाले बटन से आप काम कर सकते हो ना वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, और एक यहाँ पे हमारे को लॉक का बटन भी मिल जाता है जिससे हमारे बटन लॉक हो जाते हैं, आपका भाई एक्सीडेंटली टच वगैरह ना तो कैमरा की सेटिंग हिल ना जाए। और ये स्टिक ना शूट वगैरह करने के लिए बढ़िया है, जैसे स्टेबल शॉट वगैरह आपको लेना हो या कोई बी रोल्स वगैरह निकालने हो तो उसके अंदर काफी काम आ जाती है, हाथ में हैंडी है मतलब काफी, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। और अगर इस कैमरा से आपको बी रोल सीक्वेंस वगैरह निकालना हो, जैसे आप अपने व्लॉग के अंदर अलग अलग शॉट्स डालते हो, जैसे सिनेमैटिक सीक्वेंसेस हो गए, प्रोडक्ट सीक्वेंसेस हो गए, तो हमने इससे ना कुछ एक सीक्वेंस बनाया अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, आप एक बार उस पर नजर डाल लो आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी क्वालिटी का, लाइक 20 mm पे किस टाइप के बी रोल्स आप निकाल सकते हो, क्लोज रेंज वाइड रेंज जैसे भी करके। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Hey guys, वैनम शेख ने मेरे को बहुत सारा काम दिया हुआ है। गाइस ये
भाई काम धंधा कर ले यार, तू फिर फ्री बैठा। और हाँ, अनबॉक्सिंग के टाइम पे ये माइक मैं आपको दिखा रहा था, इसकी क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। अभी जो आप माइक की क्वालिटी सुन रहे हो वो डायरेक्टली कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, और अब अगला शॉट हम निकालेंगे इस माइक से। और अब हमने एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा लिया, जो भी आप आवाज सुन रहे हो ये सोनी के शॉटगन माइक से रिकॉर्ड हो रही है, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। हेलो चेक 1 2 3, कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी। कितनी बाहर की आवाजें कैंसिल आउट हुई है, कितने आसपास की आवाजें आ रही है नहीं आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज हो गई, मेरी आवाज में कितना फर्क आ रहा है, जो भी है आपको जज करो कैसी लगी क्वालिटी। और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक तरफ ZV-1F से और दूसरी तरफ S23 अल्ट्रा से। S23 अल्ट्रा में हमारे को 8K तक का ऑप्शन मिलता है, 4K 60 पे यूजुअली लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अभी हम 4K 30 पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे S23 अल्ट्रा पे, क्योंकि हमारा कैमरा भी 4K 30 वाला ही है। कुछ ऐसी क्वालिटी हमारे को मिल जाएगी। आप बताओ कि आपको डेडिकेटेड कैमरा की रिकॉर्डिंग ज्यादा बेटर लग रही है या S23 अल्ट्रा एक स्मार्टफोन की रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही है, जो आपको आज की डेट में 1,10,000 1,20,000 के आसपास मिलेगा, और ये 50,000 रुपए का मिलेगा, कमेंट करके बताओ। और अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो, एक तरफ iPhone 15 Pro है जो हमारा 1.5 लाख का स्मार्टफोन है, और एक तरफ हमारा ZV-1F है जो 50,000 रुपए का कैमरा है, और यहाँ पे माइक्स भी डिवाइसेस के यूज हो रहे हैं। कैसी लग रही है क्वालिटी, कितना बोके मिल रहा है iPhone में, कितना मिल रहा है कैमरा में, कैमरा की क्वालिटी, iPhone की क्वालिटी साइड बाय साइड आप देख सकते हो, और वीडियो क्वालिटी को 4K पे कर लो, जब आप YouTube पे देख रहे हो तभी आपको एग्जैक्ट क्वालिटी पता लग पाएगी। बाकी स्किन टोन्स हैं, बैकग्राउंड है, लाइटिंग है, जो भी है जैसा है यही है, बताओ कमेंट करके। और अब जरा इसकी कुछ लो लाइट की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ एक रूम में आ चुका हूँ मैं, एक्चुअली दिन हो रहा है ना तो रूम में ही चेक करनी पड़ेगी लो लाइट की परफॉर्मेंस ना। तो यहाँ पे रूम में इस टाइम पे कोई भी लाइट नहीं चल रही है, ऑटो मोड पे कैमरा है, मैक्सिमम ISO हो चुका है, तो ग्रेन्स वगैरह आपको मिल रहे होंगे। एंड यहाँ पे बस कुछ इतनी सी नेचुरल लाइट आ रही है बाहर से, बहुत कम है, कैमरे में फिर भी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके अकॉर्डिंग लो लाइट में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस हमारे को मिल जाएगी। एंड अगर रूम में मैं एक छोटी सी लाइट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने टीवी के ऊपर एक छोटी सी लाइट ऑन कर लिया, उसके अलावा रूम में कोई भी लाइटिंग नहीं है, उसके हिसाब से लो लाइट में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस ये दे देगा। यहाँ पे अभी भी 32 ISO पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, 500 to 1000 ISO फिर भी एक ठीक वैल्यू होते हैं, उससे ऊपर ग्रेन्स आते ही आते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसी क्वालिटी मिलेगी, बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसी क्वालिटी है लो लाइट में कैमरा निकाल के देता है। इस कैमरे की ना इस लास्ट वाली सेटिंग में जाके हमारे को USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे हमारा ये कैमरा एज अ वेबकैम एक्ट करेगा। जैसे हम इस पे USB स्ट्रीमिंग को ओके कर देते हैं और हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कैमरा कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप से, और बढ़िया क्वालिटी का वेबकैम हमारे को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, यहाँ पे वेबकैम वाले मोड पे 720p पे ही ये रिकॉर्ड करेगा, 1080p 4K कुछ नहीं, सिर्फ 720p जो सिस्टम पे हमारे फाइल रिकॉर्ड होगी। अभी मैं एक सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ, आप एक बार वो भी देख लो। और ये कुछ ऐसी वेबकैम की क्वालिटी है, जब हमने अपना कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है और ये ऑटो मोड पे है, लाइक हमारी नॉर्मल लाइटिंग है रूम में, एक्सपोजर अपने आप कंट्रोल कर रहा है, ISO अपने आप कंट्रोल कर रहा है, 720p 30fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो दूसरे कैमरा सैंपल से आपको डिफरेंस साफ पता लग जाएगा कि हाँ कुछ तो डिफरेंस है रेजोल्यूशन के अंदर। बाकी ये अगर आपको गेमिंग लाइव स्ट्रीम वगैरह करनी है, उसमें छोटा सा अपना फेस कैम साइड में रखना होता है, तो भाई 720p मोर देन इनफ होता है, एंड सोनी के कैमरा की क्वालिटी तो वैसे भी अपने आप में काफी बढ़िया होती है। बाकी बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लग रही है क्वालिटी। और कुछ फोटो सैंपल्स हमने इस कैमरा से लिए थे, यहाँ पे हमारे को ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है, लाइक इंडोर में हमने फोटोज वगैरह खींची हैं। सेंसर साइज छोटा तो इंडोर में इतनी अच्छी फोटो नहीं आती, क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आप फोटो खींचोगे तो बढ़िया फोटो निकाल के दे जाता है। जैसे बहुत सारे सैंपल्स आपके सामने आ रहे हैं, लो लाइट में तो मतलब थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन अगर ब्राइट लाइट में आउटडोर वगैरह में फोटो खींचते हैं तो बढ़िया फोटोज हमारे को मिलते हैं। और जैसे कि हमारा वाइड एंगल लेंस है, तो यहाँ पे हमारे को मैक्रो फोटोग्राफी करनी है, वो हम आराम से कर सकते हैं, कुछ फूल पत्ती की फोटो खींचनी हो पास से आगे ऑब्जेक्ट की, तो बढ़िया ब्लर ब्लर भी हमारे को मिल जाता है, एंड कलर्स वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं हमारे को। बाकी पिक्चर प्रोफाइल तो आपको दिखाई चुका हूं, लेकिन अगर बेसिक पिक्चर प्रोफाइल ऑफ पे फोटोज खींचते ना तो काफी डिसेंट कलर सोनी के कैमरा निकाल के दे देते हैं। बाकी तो बाद में बंदे को एडिटिंग वगैरह करनी हो कलर्स वगैरह में वो कर ही सकता है। एंड ओवरऑल अगर मैं कैमरा को कंक्लूड करता तो फोटोज की क्वालिटी बढ़िया निकाल के दे जाता है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। कभी आपको फोटोज वगैरह क्लिक करनी हो तो इस कैमरा से आप कर सकते हो। तो भाई ये तो होगी कैमरा की पूरी बातचीत। एंड अगर बात करते कि आपको एक फोन के लिए जाना चाहिए या फिर एक कैमरा के लिए जाना चाहिए स्पेसिफिकली व्लॉगिंग के लिए, तो अगर आप एक मोटी पार्टी हो, आप एक आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, आईफोन व्लॉगिंग के लिए काफी अच्छे होते हैं, या फिर कोई सैमसंग का फ्लैगशिप फोन लेना हो या कोई वीवो का फ्लैगशिप फोन लेना हो अच्छे कैमरे वाला, तो मैं कहूंगा आप फोन के लिए जाओ, क्योंकि फोन हैंडी होता है और फोन के अंदर सारी चीजें आपकी हो जाती हैं, प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपेंसिव फोन नहीं है और आप एक स्पेसिफिकली कैमरा खरीदना चाहते हो व्लॉगिंग के लिए या छोटा मोटा यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, उसके लिए सस्ते में कुछ चाहिए, तब आप इस कैमरे को कंसिडर करके चल सकते हो, सोनी ZV-1F। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लेना। और वीडियो कैसी लगी, सैंपल्स कैसे लगे, आपको ज्यादा बेटर फोन लगा या ज्यादा बेटर कैमरा लगा, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड पसंद आए वीडियो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।